तो एक दो बार तो फिर वो वीडियो फिर देखा, जब आंसर चेक किया तो गलत थी। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो ऑन ही नहीं करता हूँ, ऐसे ही पूरी वीडियो 2 2 घंटे 3 3 घंटे बनाई है मैंने बिना ऑन किए, और जब देखता था ना रोना आ जाता था मुझे। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 क्लास 9, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक बार रीड करते हैं। द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। क्या मतलब है भाई, एक कोई टैंक है जिसका डायामीटर 4.2 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर, और हाइट कितनी है 4.5 मीटर। तो पहले पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h). 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बेटा 22.1, h की वैल्यू 4.5। 2.1 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, एनीथिंग एल्स नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 44, 44 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 कैरी 1, 4 3 12, 12 + 1 13, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ठीक है, इंटू 4.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 2 4.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 कैरी 1 15 कैरी 1 16, 5 1 5 and 6, 4 2 8, 4 3 12, एंड 4 1 4 + 1 is 5, तो यहां पर 14 कैरी 1 8 9 एंड 5। सो दिस इज द कर्व्ड और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट में पहले तो हम निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल नहीं टैंक, हाँ जी, अरे भाई देखो टू डेसिमल, देखो 1 डिजिट के बाद यहां पर भी है और 1 डिजिट के बाद यहां पर भी है, तो टोटल कितने हो गए 2, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल भी लगाना है, सही बोल रहे हो, हाँ जी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में h + r, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 2.1, एच की वैल्यू 4.5 प्लस आर की वैल्यू 2.1, इसको करोगे तो 0.3, अभी तो मल्टीप्लाई किया था इसको तो ऊपर से ही देख लेंगे 13.2 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.6, दोनों को मल्टीप्लाई कर 13.2 6.6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 कैरी 1, 6 3 18 + 1 19, और कैरी 1, 6 1 6 and 7, ठीक है, 6 2, अच्छा दोबारा आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना तो आंसर सेम आने वाला है 2 9 7, इसको करो 2 11 कैरी 1 10 एंड 1 17 कैरी 1 8, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, देखो 1 डिजिट के बाद यहां पर और 1 डिजिट के बाद यहां पर, तो 2 डिजिट्स के बाद आपका यहां पर आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ये तो बेटा सिर्फ टोटल सरफेस एरिया आया है इस टैंक का, लेकिन अभी तो हमें क्या निकालना है, टोटल स्टील निकालनी है, और टोटल स्टील में क्या है 1/12 पार्ट उसका वेस्ट भी हुआ है, ये नोट कीजिए, करते हैं इसके आगे का पार्ट। आइए देखते हैं
अब आप अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, मतलब हमको सिर्फ वो बतानी है जो यूज हुई है। अगर आगे आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड, मतलब कि 1/12 पार्ट तो क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लेट एक्स मीटर स्क्वायर स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 1/12 मतलब ये है कि 12 में से 1 पार्ट जो था वो वेस्ट हो गया, तो अगर 12 में से 1 पार्ट वेस्ट हो गया तो यूज कितना हुआ होगा, यूज होगा 11/12 पार्ट ऑफ दिस एरिया। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये जो एरिया था वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इसके, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, देखो टोटल स्टील कहां पे यूज होगी, यूज किस में हुई होगी, सिर्फ टैंक में, समझ रहे हो ना भाई, पूरे स्टील काट पीट कर इसमें लगा दी गई, तो ये वो स्टील है जो यूज हुई है, और इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, 87.12। आई होप कि आपको अब यह बात समझ में आ गई, भाई यूज किस में की हमने, स्टील हमने टैंक बनाने में तो यूज की, तो ये वो एरिया है जो एक्चुअली स्टील यूज हुई थी। ठीक है, और टोटल स्टील कितनी यूज हुई है, टोटल मान लीजिए xm2। ठीक है, अब देखो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 87.12 ओवर 11, देखो ये 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इधर। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बेटा 95.04 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों एरिया में डिफरेंस समझिए, ये बेटा वो स्टील है जो इस टैंक में यूज हुई है और ये वो एरिया है जो टोटल स्टील आई थी, मतलब वेस्ट को हटा दिया जो सिर्फ यूज हुई है। ठीक है, तो ये वो है। आई होप के समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।